तूफान की धमकी। मैं हूं मनोज सैनी और बड़ी खबर है आज महू से जुड़ी। महू मसले को लेकर लगातार सियासत गर्मा रही। कमलनाथ भी पहुंचे और लोगों से मुलाकात की, लेकिन इस बयान पर बड़ा बयान आया है प्रदेश अध्यक्ष डी शर्मा का। कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए, कांग्रेस जैसा दल झूठ परोस रहा है, बीडी शर्मा का कहना है। बलात्कार की बात बोलने के पीछे क्या तथ्य है आपके पास? कांग्रेस साफ करे, कांग्रेस प्रदेश में अस्थिरता फैलाना चाहती है। बड़ा आरोप लगाया है प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कांग्रेस पर। इससे पहले कमलनाथ आज पहुंचे और पीड़ित परिवार से मुलाकात की है, यानी दोनों ही दल मऊ घटना को लेकर आमने सामने हैं। ये तस्वीरें वो है जब कमलनाथ वहां पर पहुंचे थे, लेकिन इस घटना को लेकर अब प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से बड़ा बयान आया। उन्होंने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए। क्या कहा बीडी शर्मा ने, सुनते हैं। एक जिम्मेदार लीडरशिप जो संवैधानिक पदों पर रहे हो, कांग्रेस जैसा दल इतना झूठ परोस सकता है कि उस बेटी के साथ बलात्कार हुआ है? मैं पूछना चाहता हूं गंभीरता के साथ, किस आधार पर कांग्रेस ने बोला? आप जवाब दीजिए इसका। ये किसी के साथ इस प्रकार की बातों का उल्लेख करना यानी क्या है? आप अस्थिरता लाना चाहते हैं, आप झूठ बोल करके इस प्रकार की बातें परोस करके मध्य प्रदेश के अंदर वातावरण बिगाड़ना चाहते हैं। जब मजिस्ट्रेट इंक्वायरी है, इंक्वायरी तय करेगी। देश कानून से चलता है, प्रदेश कानून से चलता है। इसलिए ऐसे लोग जो झूठ बोल करके वातावरण बिगाड़ना चाहते हैं, लोग इन्हें जानते हैं। और मैं ऐसा मानता हूं कि ऐसे लोगों को जवाब देने का काम भी इस मध्य प्रदेश के अंदर भी जरूरी है, और लोगों ने जवाब देना इनको शुरू किया है। चलिए, तो आज बड़ी बात कही है बीडी शर्मा ने, और इससे पहले भूपेंद्र सिंह भी कहे थे कि कांग्रेस जैसे कुछ दल अस्थिरता फैलाना चाहते हैं, षड्यंत्र रच रहे हैं। वो कौन सी ताकतें हैं जो मध्य प्रदेश और देश को कमजोर करना चाहती है? लेकिन मऊ घटनाक्रम को लेकर बड़ा आरोप लगाया प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने। इससे पहले कमलनाथ भी वहां पहुंचे, पीड़ितों से मुलाकात की है, और लगातार सरकार की तरफ से भी जो बातें कही जा रही है, सरकार की तरफ से जो देना चाहिए वो दिया भी है, उस परिवार को काफी सहायता भी पहुंचाई है। लेकिन अब इस पर सियासत गर्म है। मेरे साथ दो मेहमान जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा जी और कांग्रेस के प्रवक्ता अवनीश बुंदेला। बड़ा आरोप लगाया अवनीश बुंदेला जी बीडी शर्मा जी ने, और सीधा ये पूछा है कि किस आधार पर ये कह दिया कि उस युवती के साथ रेप हुआ, रेप जैसी घटना की बात कहकर आखिर कांग्रेस करना क्या चाहती है? देखिए, भाजपा का काम है विपक्ष पर आरोप लगाना। ये नए तरह का लोकतंत्र है जो भाजपा पिछले कुछ दिनों में भाजपा ने देश में बनाया है। और जहां तक उस पीड़िता की बात है, तो कल हमारी एक दलित विधायिका पूर्व मंत्री विजयलक्ष्मी साधो ने सदन में रो रो कर कहा कि, जबकि उनके विधानसभा क्षेत्र का ही मामला है, उन्होंने रो रो कर कहा और भाजपा ने, उनके नेताओं ने उनका माखौल उड़ाया कि साहब उस बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है, हत्या हुई है। तो और आप देखिए पुलिस जांच में क्या आ रहा है, आप देखिए पुलिस की गोलियों से लोग मारे जा रहे हैं, और इस तरह की बात जो भारतीय जनता पार्टी इनके प्रदेश अध्यक्ष कर रहे हैं, मुझे लग रहा है इससे अपना गैर जिम्मेदाराना वाला कुछ बयान हो नहीं सकता। इनकी तकलीफ चलिए मैं एक नरेंद्र सलूजा जी क्या कह रहे हैं इस पर सुन लेता हूँ, फिर मैं दूसरी खबर की तरफ भी जाना पड़ेगा। जी नरेंद्र सलूजा जी, देखिए बड़ी शर्मनाक बात है कि कमलनाथ जी एक जिम्मेदार पद पर रहे, प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, कई पदों पर रहे, उन्होंने खुद ट्वीट कर लिखा कि उस बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ, उसकी हत्या हुई, और खुद कह रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता के विजयलक्ष्मी साधो भी कह रही कि उसके साथ गैंगरेप हुआ, तो किस आधार पे कह रहे हैं? बाद में कमलनाथ जी पलट गए, अरे आप हमारी पुलिस को छोड़िए, हमारी सरकार को छोड़िए, आपका कांग्रेस का जांच दल खुद गया, उसने भी इस बात को नकारा है, उनकी भी रिपोर्ट में कहीं गैंगरेप और दुष्कर्म की बात नहीं आई।